हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट क्रिस्पी चकली। त्योहारों का टाइम चल रहा है और आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली टेस्टी और लाजवाब चकली। और जब भी आपका मन करे कुछ नमकीन चटपटा खाने का तो भी आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। एक तो इनमें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमने एक बाउल चावल का आटा लिया है और एक बाउल हमने उड़द दाल का आटा लिया है और एक से दो चम्मच हमने तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, आधा चम्मच काला तिल लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच सौंफ लिया है। तो सारी ही सामग्री को हम एक साथ मिक्स करेंगे। और हमने चावल का आटा था वो 200 ग्राम लिया है और उड़द दाल का आटा 150 ग्राम लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें हमने एक चम्मच घी ऐड किया है। घी हल्का गर्म है, ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच अदरक डालेंगे और जो सौंफ, अजवाइन, काली मिर्ची ली थी वो भी ऐड कर देंगे। और गैस को मीडियम ही रखेंगे और थोड़ा सा तेल हम अभी ऐड करेंगे और थोड़ा सा बाद में। इसके बाद जो हमने आटा लिया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमें यहाँ पर गैस को बंद कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है, इससे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा। और एक चम्मच हमने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम एक बर्तन में से निकालेंगे और जो मिर्ची पाउडर था वो भी डाल देंगे। मिर्ची पाउडर हम अभी डालेंगे नहीं तो ये सारा का सारा जल जाएगा। तो मिर्ची पाउडर हमने कम ही डाला है क्योंकि काली मिर्ची भी ऐड की है। इसके बाद हमने एक से डेढ़ कप यहाँ पर पानी ऐड किया है। पानी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और एक छोटा चम्मच हमने यहाँ पर हींग डाला है, इससे क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। और एक चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है तो हम थोड़ा थोड़ा जो हमने आटा लिया था वो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें लम्प्स नहीं आएंगे और जो हमने हल्का गर्म किया था इससे लम्प्स नहीं आते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यदि आपको पानी कम लगता है तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। पहले से ही हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा डो है वो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और गैस को मीडियम ही रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये डो की तरह हो गया है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो हमने तिल बचाया था वो भी डाल देंगे, सफ़ेद वाला और काला वाला। और इसके बाद हमने आधा चम्मच इसमें कलौंजी ऐड की है जिसे करायल मंगरेल भी बोलते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी ये इस तरह से बन नहीं रहा है तो आप चाहें तो इसमें हल्का सा गुनगुना पानी करके और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये परफेक्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। अभी ये हल्का गर्म है तो यहाँ पर डो लग गया है। इसे हम 5 मिनट तक रेस्ट के लिए रखेंगे, तब तक जो हमने चकली वाली मशीन ली है उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह का जो सांचा लिया है अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद हम चकली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी डो इसमें आता है इतना ही हम इसमें फिल करेंगे और इस तरह से चकली बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो इस आसान सी रेसिपी से एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और इस तरह से इसे हम बंद करेंगे। और इस तरह की यदि आप मशीन खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से अब हम चकली बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरह से हम सारी ही चकलियाँ बना लेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हल्के हाथ से इस तरह से हम राउंड शेप में घुमाते हुए चकली बनाएंगे और लास्ट में जो कॉर्नर है इसे अच्छे से चिपका देंगे। थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, जो इससे क्या होगा कि कढ़ाई में डालते टाइम तलते टाइम ये टूटेंगी नहीं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और इसका तरीका भी बहुत ही आसान है बनाने का। तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चकली बनकर तैयार होती हैं। तो इस रेसिपी से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो सारी ही चकलियां हम बना लेते हैं। और यदि आपके पास चकली वाली मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी चकलियां बना सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो हमने शेयर किया था तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चकलियाँ बनके तैयार हो गई हैं, हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है तो इसे हम चेक कर लेंगे और एक के बाद एक सारी ही चकलियाँ फ्राई करेंगे। तो गैस को मीडियम रखेंगे और चकलियाँ फ्राई करेंगे। हमें एकदम तेज़ गैस पर चकली फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये अपने आप ही ऊपर आ गई हैं थोड़ी सी गर्म होने के बाद, तो इन्हें हम पलट पलट कर फ्राई करेंगे और इनको हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है और बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी चकली बनकर तैयार हुई है। इसके बाद हम और चकलियाँ फ्राई करेंगे। तो सारी ही चकलियाँ हम फ्राई कर लेंगे और यदि आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म ऑयल में हम चकलियाँ फ्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया इनका कलर आया है। देखने से ही लग रही हैं कि बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इस आसान सी रेसिपी से आप जरूर ट्राई करें और त्योहारों के टाइम सभी कुछ न कुछ बनाते हैं। जिस तरह से चकलियाँ आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत ही अलग अलग तरह से हमने बनाई हैं। तो यहाँ पर सारी ही चकलियाँ बनके तैयार हैं और ये देखने में बहुत ही क्रिस्पी लग रही हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।